दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम और चार्मिंग एक्टर हैं मोहसिन खान, जिन्होंने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक गोयनका बनकर एक साथ ही लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है, जिसके चलते अब ये टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ किसी घर में भी पहचान के मोहताज नहीं रह गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीरियल में कार्तिक का लीड रोल प्ले करने वाले मोहसिन खान को ये कैरेक्टर इनकी काबिलियत के दम पर ही नहीं बल्कि चार सितारों की सिफारिश और मेहनत से मिला है, जिसके लिए ये आज भी उन सितारों के कर्जदार है। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन चार सितारों से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके वजह से मोहसिन खान को लीड रोल मिला था। तो चलिए एक एक करके मिलते हैं इन सभी सितारों से। नंबर वन, हिना खान। आज जो मोहसिन खान ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में एक के बाद एक अपनी पेमेंट बढ़वाते जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अभिनेत्री हिना खान की वजह से पॉसिबल हो पाया है। दरअसल जब इस शो में हिना खान के दामाद कार्तिक के लिए ऑडिशन चल रहा था, तब हिना ने उन्हें सीरियल ड्रीम गर्ल में देखा था, जिसमें वो मुख्य अभिनेता के तौर पर दिखाई दिए थे, जिसे ये इतने इम्प्रेस हुई कि इन्होंने अपने सीरियल के लिए कास्ट डायरेक्टर से मोहसिन खान का नाम सजेस्ट करवाया था और आज वो मेन लीड कार्तिक बनकर टीवी जगत में छाए हुए हैं और वो अपनी पूरी सफलता का श्रेय हिना खान को ही देते हैं। नंबर थ्री, शिवांगी जोशी। जी हाँ, मोहसिन खान को कार्तिक का रोल दिलवाने वाले अभिनेत्री शिवांगी जोशी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब वो इस सीरियल के लिए ऑडिशन देने आए थे तो पहले ही शिवांगी जोशी नायरा के लिए सिलेक्ट हो गई थी, मगर जब इन्होंने पहली बार ऑडिशन के दौरान मोहसिन खान को देखा तो ये उन्हें पहली ही नज़र में लाइक करने लगी और इन्होंने शो के डायरेक्टर से हाथ पैर जोड़कर गुजारिश की कि मोहसिन खान को ही कार्तिक के लिए सिलेक्ट किया जाए और इसी वजह से मोहसिन कार्तिक के किरदार के लिए सिलेक्ट हो गए और उन्होंने शिवांगी को इसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स बोला, तभी तो ये दोनों आज तक ऑफ एंड ऑन स्क्रीन बेस्ट फ्रेंड बने हुए हैं। नंबर थ्री, राजन शाही। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि सीरियल मेकर राजन शाही पिछले 20 सालों से टीवी इंडस्ट्री में एक बेहतर टीवी सीरियल मेकर के तौर पर काम कर रहे हैं और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है भी इन्हीं का है। लेकिन जब राजन शाही ने पहली बार मोहसिन खान को इस सीरियल के सेट पर देखा था तो ये देखते ही समझ गए थे कि मोहसिन खान की नेचुरल एक्टिंग से कार्तिक का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, जिसके चलते इन्होंने मोहसिन खान को हमेशा सपोर्ट किया, उन्हें समझाया, जिसका एहसान मानते हैं मोहसिन। और मोहसिन अगर कहीं ना कहीं 5 साल बाद भी शो का अहम हिस्सा बना हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजन शाही की वजह से ही है, क्योंकि शो में कई ऐसे विवाद बीच बीच में खड़े हुए थे जब मोहसिन खान को पूरी टीम ने निकालने की बात की थी, लेकिन मोहसिन आज तक राजन शाही के भरोसे शो में टिके हुए हैं। नंबर फोर, लता सब्रवाल। जी हाँ, इस लिस्ट के आखिरी कड़ी में एक्ट्रेस लता सब्रवाल का नाम शुमार होता है, जो कार्तिक के कैरेक्टर को इतना अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब इस कैरेक्टर का डिस्कशन हो रहा था कि वो कैसा होना चाहिए, उसका रंग रूप क्या होना चाहिए, चाल ढाल क्या होनी चाहिए, तो लता सब्रवाल ने पहली बार ही मोहसिन खान को देख कर बता दिया था कि मोहसिन इस किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मोहसिन खान को इतनी बड़ी एक्ट्रेस से अपने लिए तारीफ सुनकर काफ़ी अच्छा लगा था और जब कार्तिक के कैरेक्टर में वो बिल्कुल फिट हो गए थे तो वो काफ़ी खुश हुए और इसी तरह से मोहसिन लता की वजह से कार्तिक गोयनका के मेन कैरेक्टर के लिए चुने गए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोहसिन खान क्या सच में इतने काबिल है कि इन्हें सब बड़ी हस्तियों ने कार्तिक के किरदार के लिए सजेस्ट किया था? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।